डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस स्किल। और हम अभी रेगुलर ला रहे हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में आपकी ऑनलाइन क्लासेस, रेगुलर वीडियोज अपलोड की जा रही है। तो चलिए आज हम लोग फिर से जुड़े हुए हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी से मैथ्स पढ़ने के लिए। तो हम लोग मैथ्स में 10th क्लासेस के लिए जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर, एक न्यू चैप्टर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं जिसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी। जैसा कि आपको हम वर्क्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम खुद से बनाने के लिए दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सही बनाए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को बच गया था करने के लिए, तो चलिए उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग समाप्त करते हैं आज 5.1 एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले हम लोगों का पहला सवाल में जो 4 क्वेश्चंस दिया हुआ था, इसको हम खुद बोले थे कि आप इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, हम खुद बताएंगे, क्योंकि ये सब लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सब भाषा का प्रॉब्लम है और भाषा प्रॉब्लम आपको तभी समझ में आएंगी जब हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से चीजों को समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला में जो 4 क्वेश्चन है, क्या पहला क्वेश्चन बोलता है, आप चीजों को पढ़ने के लिए अपने पास मैथ्स की किताब को जरूर खोला कीजिए। हमेशा आप इसको एंजॉय करने के लिए इस वीडियो को नहीं देखिए, आप सीरियसली मूड में, जैसे कि क्लास में आते थे कॉपी कलम बुक के साथ पढ़ रहे, वैसे ही आपको जब वीडियो स्टार्ट करना है अपने तरफ ये सब सारी चीजें व्यवस्था करके बैठना है। ठीक है, तब वो सीरियसली मूड में पढ़ाई हुआ, वरना आप जब मन तब देखे वीडियो आया, सर का खोल दिए, चल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें एकदम फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इन चीजों को जरूर ख्याल रखिएगा, इस वीडियो से एंजॉय नहीं लेना है, पढ़ना है सीरियस मूड में। तो पहला का जो 4 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में एपी है, और है तो क्यों है भाई, ये तो सवाल बोल रहे। यानी कि हमें जो लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया है उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद एक श्रेणी का निर्माण करना है। ठीक है, एक श्रेणी का निर्माण करना है, और उस श्रेणी से ये पता करना है कि कोई एपी में है या नहीं है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब एपी है कि नहीं है आप कैसे चेक करते हैं, तो सबका सर्व अंतर निकालते हैं। अगर सबका सार्व अंतर यानी कि डी का मान अगर सब में सेम आ गया तो हम बोलते हैं कि वो एपी में है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए अब सवाल ये है कि आपको कहीं सफर पे जाना है, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप क्या जाते हैं, तो घर से एक बार ट्रेन पकड़े तो क्या कोलकाता चाहे बनारस दिल्ली पहुंच गए, नहीं ना, जिस स्थान पे पहुंचना होगा वहां पे आप क्या करते हैं, अलग अलग टैक्सी चेंज करते हैं, कहीं ट्रेन पकड़ते हैं, कहीं बस पकड़ते हैं, कहीं पैदल चलते हैं ना। वैसे ही बोल रहे कि आपको सफर तय करना है, आपको सफर तय करते हुए टैक्सी बदलना है, और हरेक 1 किलोमीटर के बाद आपका टैक्सी बदलना चाहिए, इस सवाल में बोल रहा है। और जैसा सवाल बोलेगा आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो सवाल में ये बोला कि हरेक 1 किलोमीटर के बाद आपको टैक्सी का भाड़ा जो है 8 रुपया बढ़ जाता है। जैसे कि आप पहला किलोमीटर चल रहे हैं तो पहली बार का भाड़ा आपके पास 15 रुपया है, ये सवाल बोला है, सवाल में दिया है कि प्रथम किलोमीटर का जो भाड़ा है किराया है वो 15 रुपया है, उसके बाद आगे जो 1 किलोमीटर होगा उसमें 8 रुपया आपको बढ़ा के देना है, फिर अगली 1 किलोमीटर होगा उसको फिर आगे 8 रुपया बढ़ा के देना है। समझ में आ रहा है, बोल रहे क्या। सवाल ये बोला कि स्टार्टिंग में जब आप 1 किलोमीटर चलेंगे, प्रथम 1 किलोमीटर, तो आपको 15 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप 1-1 किलोमीटर पे जो ऑटो रिक्शा टैक्सी आप बदलेंगे तो आपको 8 रुपया ज्यादा देते चले जाना है। जैसे मान लिया स्टार्टिंग में हम 1 किलोमीटर गए, 15 रुपया दिया, अब अगला 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 वाला से 8 रुपया मिला कर देना है, यानी कि 15 और 8 मिलकर कितना हुआ 23 रुपया। तो अगला वाला जो 1 किलोमीटर गया वहां पे हमको उसको उस टैक्सी वाले को 23 रुपया देना है।
फिर अगले एक किलोमीटर जाएंगे, फिर से 23 में 8 को ऐड करेंगे, अब उसको कितना देंगे, 31 रुपया देंगे, है ना। तो सवाल ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दिया है, क्या दिया है, प्रथम एक किलोमीटर का किराया, प्रथम एक किलोमीटर का किराया या भाड़ा, किलोमीटर का टैक्सी का भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा कितना दिया है शुरू बार में, 15 रुपया, ठीक है। फिर क्या, हम वैसे ही आगे का निकाल लेंगे, यानी अगले, अगले का मतलब जस्ट उससे आगे, अगले एक किलोमीटर का टैक्सी का भाड़ा क्या होगा, तो पहले वाला से हमको 8 रुपया ज्यादा देना है ना, तो टोटल मिला के कितना रुपया हुआ, 23 रुपया हो गया, ठीक है। अच्छा फिर अगले हम लोग, अब ये नहीं सवाल बोल रहा है, अब आप सोच रहे होंगे सर कहाँ कब तक कई किलोमीटर जाना है, तो यहाँ पे वो पता नहीं है कि कितना किलोमीटर जाना है, आपको बस अगले अगले जितना मन है 3 बार 4 बार आप निकाल लीजिए, क्योंकि हमको तो चेक करना है ना कि एपी में है कि नहीं है। तो हम और अगली बार का चेक कर लेते हैं, अगले एक किलोमीटर का टैक्सी का भाड़ा, ये कॉमा दिया जा रहा है का मतलब कि सेम सेम वो चीज उतर जा रहा है, तो हम पिछली बार कितना दिए हैं, अब की 23, तो 23 में अब की बार 8 रुपया मिलाकर दे देंगे तो हो जाएगा 31 रुपया, ठीक है। फिर से अगली बार एक और ले लेते हैं, अगली एक किलोमीटर किराया का भाड़ा, किराया का भाड़ा नहीं टैक्सी का भाड़ा, अब की बार कितना दिए, 31, अब की बार कितना देना है, तो 8 और मिलाकर देना है, तो टोटल कितना हुआ, 39। अब आप पर डिपेंड करता है कि ऐसा अगली अगली करते करते पूरा कॉपी खत्म कर देना है कि दुवे चार बार निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, दोस्तों, यहां पे आपको ये नहीं बोल रहा है कि कितना किलोमीटर जाना है, ठीक है, इसलिए आप क्या करोगे, 3 से 4 बार आप निकालोगे, बस ज्यादा नहीं निकालना, 3 से 4 बार निकालना है। अब आपको यहां पे एक श्रेणी दिखेगा, कैसा श्रेणी भाई, तो देखिए 15 शुरू में दिया, फिर 23 दिया, तो एक श्रेणी बन रहा 15 23 31 39, आगे इतनी बन रहा है। अच्छा अब चूंकि यहां पे एक श्रेणी बन गया, तो अब यही सवाल बोल रहा है कि इस क्वेश्चंस को पढ़िए और एक श्रेणी बनाइए और उस श्रेणी को भी चेक कीजिए कि क्या ये एपी में है या एपी में नहीं है। तो आप यहां पे देख लीजिए, एपी को चेक करने के लिए आप हर बार क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, सार्वंत्र। तो सार्वंत्र कैसे निकालते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 23 माइनस 15, यहां पे कितना आया, 8। अब की बार फिर से डी निकालेंगे, अब की बार अगला लेंगे 31 और उसके पीछे वाला लेंगे 23, तो कितना आ रहा है, 8। फिर अगली बार लेंगे कितना, 39, उसके पिछले वाले कितना, 31, कितना बचेगा, 8। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि सार्व अंतर यानी कि डी का मान सब में बराबर आ रहा है, इसलिए यह एपी में है, बस आंसर इतना ही काम करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए, अब आइए हम पहला का दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पहला का तो ये पहला क्वेश्चन था, अब पहला का दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु को निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो अब आपको शुरू में क्या मानना पड़ेगा, जरा हम देखिए। तो पहला का ये दूसरा सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक बेलन है जो हो सकता है कि रबड़ का बना हो, जिसमें हम लोग हवा भरे हुए हैं। अब हवा कितना भरे हुए हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन हर बार क्या हो रहा है कि उसको जितना हवा था उसका 1/4 गुना निकाल दिया जा रहा है, ठीक है, 1/4 गुना निकाल दिया जा रहा है। तो 1/4 गुना निकलने के बाद शेष हवा कितना बचेगा, तो आप यहां पे शुरू में मानिएगा, माना कि बेलन में उपस्थित
हवा का कुल मात्रा, हवा का कुल मात्रा कितना हम मानेंगे x, ठीक है। जब अगर शुरू में x है, शुरू में x है तो अगली बार, अगले बार हवा निकलने के बाद, हवा निकलने के बाद, निकलने के बाद शेष बची हवा, शेष बची हवा यानी कि अगर हम लोग इसमें से हवा निकालेंगे, अब कितना निकालेंगे जरा समझिए, टोटल अभी कितना है x और इसमें से निकालना कितना है, तो इसका एक बटा चार गुना यानी कि x बटा चार, इसका एक बटा चार का मतलब हुआ कि x गुना x का एक बटा चार निकालना है, तो कितना बचेगा, x को लिख सकते हैं x बटा वन माइनस x को वन से तो x बाई फोर, वन फोर का एलसीएम फोर, यहां हो जाएगा फोर एक्स माइनस एक्स यानी कि थ्री एक्स बाई फोर बचेगा, ठीक है, थ्री एक्स बाई फोर बचेगा। फिर से आप निकाल सकते हैं, अगले बार हवा निकालने के बाद शेष बची हवा, देखिए अब की बार हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो हवा अभी है अब इसका एक बटा चार निकालना है यानी अभी है कितना, तो थ्री एक्स बाई फोर, अब इसमें से निकालना कितना है तो इतना का एक बटा चार, जो पहले बच रहा है उसका एक बटा चार, तो थ्री एक्स बाई फोर तो है, अब इसका एक बटा चार गुना करना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएगा थ्री एक्स बाई फोर माइनस थ्री एक्स बटा सोलह, तो चार और सोलह का एलसीएम कितना, चार और सोलह का एलसीएम हो जाता है सोलह, और चर्चों को सोलह तो बारह एक्स माइनस तीन एक्स, तो टोटल हो जाएगा नौ एक्स बटा सोलह, ठीक है। अब नौ एक्स बटा सोलह आएगा, अगर आपकी इच्छा है तो अगली बार फिर से हवा निकालने के बाद शेष बची हवा निकाल सकते हैं कि जब हवा हम लोग निकाल रहे हैं तब कितना हवा बचेगा, तो अब की बार क्या करेंगे, तो नौ एक्स बटा सोलह में से 9x बटा 16 का 1 बटा 4 गुना घटा देंगे, तो अगर आपकी इच्छा है तो अगली बार भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है क्योंकि इतना लंबा चौड़ा गुना भाग घटाओ कौन करेगा, है ना। तो अपने आप को बचने के लिए यहीं से आप श्रेणी बनाइए, कैसा श्रेणी बन रहा है भाई, तो शुरू में था x, फिर बचा 3x बाई फोर, फिर बच रहा है 9x बटा 16, ऐसे ही ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये एपी में है, तो अब इस श्रेणी को चेक करने के लिए हम लोग डी का मान निकालेंगे, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 3x बाई फोर माइनस में x बटा वन, तो इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, तो चार और एक का एलसीएम हो जाएगा चार, चार को एक से कटेंगे तो 3x माइनस ये हो जाएगा 4x, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, चार और एक का एलसीएम चार, चार से एक बार में कटा 3x, एक को चार से चार बार में कटेगा 4x, तो यहां हो जाएगा माइनस एक्स बटा फोर। अब फिर से आप डी निकालिए, अब की बार अगला पद में से पिछला पद को घटाइए, कितना होगा, तो 9x बटा 16 माइनस 3x बटा में 4, अब की बार एलसीएम कितना बनेगा, तो 16 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 16, और 16 से एक बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस चर्चों का 16, तो 16 और 4 दिए 12x, यहां हो जाएगा माइनस 3x बटा 16। तो क्या यहाँ पे d का मान बराबर है, नहीं है, d का मान एगो में आ रहा है माइनस एक्स बटा चार, एगो में माइनस थ्री एक्स बटा सोलह, तो d का मान अगर कोई श्रेणी का हमेशा बराबर आता है तब ना उसको बोलते हैं कि एपी में है, ये तो अलग अलग आ रहा है, तो उसके नीचे लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, उसके नीचे लिख दीजिएगा, अतः यह एपी में नहीं है, बस और कुछ नहीं करना। इस तरीके से हम लोग पहला का दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए क्या बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो तीसरा क्वेश्चन को पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। देखिए हो क्या रहा है, सवाल क्या बोल रहा है,
कि आपको एक कुआं खोदना है, कुआं खोदना है। अब कुआं जब खोदना है तो शुरू का जब एक मीटर खुदाई किया जाएगा ना तो 150 रुपया लगेगा भाई, ठीक है। और उसके बाद अगर एक मीटर आप खोदते हैं तो 50 रुपया वैसे ही बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है का मतलब हर बार आपको 50 रुपया बढ़ जाएगा, जैसे कि टैक्सी वाला किया भी क्वेश्चन वैसे ही। तो यहां पे क्या दिया है सवाल में, पहला का तीसरा क्वेश्चन में लिखिएगा कि हमें दिया है क्या दिया है, तो प्रथम एक मीटर की खुदाई का लागत, प्रथम एक मीटर कुआं के खुदाई का लागत, कुआं खुदाई हो रहा है ना तो कुआं के खुदाई की लागत कितना रुपया भाई, 150 रुपया, ये सवाल में दिया है। लेकिन अब क्या बोला कि जब इसके बाद और एक मीटर अगर हम लोग खोदते रहेंगे तो हरेक एक मीटर के बाद आपको 50 रुपया क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं अगले एक मीटर किलोमीटर नहीं मीटर कुआं के खुदाई का लागत, तो अगला बार का क्या होगा, तो पहले तो 150 लग रहा था ना, अब की बार 50 रुपया बढ़ गया तो टोटल कितना रुपया लग गया, 200 रुपया। फिर यहां लिखेंगे अगले एक मीटर कुआं के खुदाई का लागत कितना, तो अभी इसकी पिछले कितना लगा था 200, और फिर अब की फिर से 50 रुपया बढ़ेगा तो टोटल कितना होगा, 250। अगर आपकी इच्छा है कि एक और निकालना है तो आपकी इच्छा को हम पूरा करते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह है और इसमें ज्यादा लोचा नहीं है, तो बहुत तरह का कारण है। अगले एक मीटर खुदाई का लागत तो कितना है यहाँ पे, 250, फिर से 50 रुपया बढ़ा देना है, हर बार 50 रुपया बढ़ाना है, तो अब हो गया 300। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे श्रेणी कैसा बन रहा है, श्रेणी बन रहा है सबसे पहले 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, है ना। तो यहां पे आप सबका एपी है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो सबका सार्वंतर निकालेंगे, सबका डी का मान निकालेंगे। तो यहां डी का मान निकालेंगे तो 200 में से 200 माइनस 150, अगला पद माइनस पिछला पद, तो यहां हो जाएगा 50। फिर से डी निकालिए, अब की बार अगला लीजिए 250 और उसके पीछे 200, तो यहां हो जाएगा फिर से 50, है ना। फिर से डी निकालिए, तो अब की बार अगला, ऐसे करके डॉट डॉट कर दीजिएगा, 300 माइनस 250, तो इस तरीके से हर बार कितना आ रहा है 50, और हर बार डी का मान अगर बराबर आता जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि यह एपी में है। तो आप यहां पे लिख दीजिएगा लैंग्वेज, अतः यह एपी में है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम लोग 3 क्वेश्चन किए। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो चौथा नंबर है, पहला का चौथा नंबर क्या बोल रहे हैं, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक खाता में आप 10,000 रुपया जमा किए हैं कितना प्रतिशत पर, तो 8% वार्षिक ब्याज की दर पे, 8% रेट है उसका, 8% वार्षिक ब्याज का दर है, उस पे आप 10,000 रुपया अपने खाता में जमा किए हैं। अब ये बोल रहा है कि आप इसको चेक करो हर वर्ष का कि क्या हर वर्ष जो आएगा वो हमें एपी में होगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप यहां पे ये लिखिएगा कि दिया है। प्यारे साथियों दोस्तों, आपको पता है कि आप पिछली कक्षाओं में 8वीं में पढ़े होंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, वहां से आपको पता है कि मूलधन भी कुछ होता है, और मूलधन किसको कहते हैं, जो आपके पास धन होता है, जो आप बैंक में लगाते हैं, जितना रुपया लगाते हैं वो आपका मूलधन हो गया। तो सवाल में यहाँ क्या बोल रहा कि आप अपने खाते में कितना रुपया लगाए, 10,000 रुपया लगाए, तो 10,000 को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मूलधन। मूलधन बराबर कितना, तो 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए। सवाल में अब हमें 8% वार्षिक दर बोल रहा है, यानी कि हर वर्ष 8% वार्षिक दर का लगेगा, तो यहां पे हमें क्या दिया है, तो दर कितना,
8%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हर वर्ष का जो मिश्रधन होगा ना, वो हर वर्ष का आपको निकालना पड़ेगा। और आपको पता है ना कि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन का मूलधन गुने 1 + 10/100 पावर टी। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद नहीं है ये फॉर्मूला तो आप जो है लिख लीजिए। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने 1 + 10/100 ठीक है। अब हमको क्या करना है, हर एक वर्ष का अलग अलग मिश्रधन निकालना है। आप एक वर्ष का निकालिए, दो वर्ष का निकालिए, तीन वर्ष का निकालिए, चार वर्ष का निकालिए। अब जब निकलेगा तीन चार वर्ष का, वो एक श्रेणी बनेगा और फिर हम उस श्रेणी को चेक करेंगे डी को निकालकर, सार्वंतर निकालकर। तो अब यहां पे लिखिएगा पहले वर्ष के लिए मिश्रधन, पहले वर्ष के लिए मिश्रधन, मिश्रधन। तो पहले वर्ष के लिए मिश्रधन कैसे निकालेंगे, तो मूलधन तो वही रहेगा भाई 10,000 गुने 1 + दर कितना है तो 8/100। अब समय कितना, तो पहला वर्ष, पहला वर्ष का मतलब एक वर्ष, तो यहां पर रखेंगे पावर एक, तो टोटल मिला के यहां हो जाएगा 10,000 गुने। अब इसको 100 और 1 को एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि पावर 1 रहे तो उसका कोई फर्क नहीं है, तो 100 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 + 8, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 100 × 108, तो टोटल मिलाकर 108 पे 00 हो गया। ये पहला वर्ष का निकल गया। ठीक है, उसी तरीके से अब आप निकालिए दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन। तो जब दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन निकालेंगे तो करेंगे क्या, मूलधन तो वही है भाई 10,000 गुने 1 + दर भी तो वही है 8%, तो 10/100 समय, तो समय आपकी कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो पावर में करेंगे 2, तो यहां हो जाएगा 10,000 गुने, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे अंदर वाला का, तो ये हो जाएगा 108/100 के पावर कितना 2, तो कुल मिलाकर 10,000 गुने 108/100 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, तो 108/100 गुने 108/100, तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया। अब 108 को 108 से गुना कर लीजिए, तो 108 गुना 108 कितना होता है जरा देख लेते हैं, 8 64 800 64 000 108 108। अब यहां पर हो जाएगा 6 4 8 8 16, यानी कि इतना बनेगा 11664। ठीक है, 11664 इतना रुपया बनेगा। चलिए, तो अब इतना बन गया, तो अभी हम लोग दो वर्ष के लिए निकाले हैं ना। चलिए अब आइए आगे आते हैं, इस बार ऊपर से मिटा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है नीचे, तो अब हम लिखेंगे क्या, तीसरे वर्ष के लिए मिश्रधन, तीसरे वर्ष के लिए मिश्रधन क्या होगा, तो 10,000 मूलधन गुने 1 + दर, दर का मतलब 8/100 लेकिन पावर कितना 3, तो 10,000 गुने, इसको जब जोड़िएगा तो कितना होगा 108/100 और पावर कितना देंगे 3, क्योंकि 3 साल के लिए है, तो इसको जो है लिखेंगे 10,000 गुने 108/100 तो इसको इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले 108 और 108 को गुणा करके तो इतना लाए हैं, अब इतना को 108 से गुणा कीजिए, 11664 गुना 108, तो गुणा करेंगे 8 का कितना होगा 32, 32 की 2 हाथ में 3, 8 6 48 होते हैं 51 की 1 हाथ में 5, 8 6 48 और 5 51 की 1 हाथ में 5, 8 6 32 की 2 हाथ में 3, 8 6 48 तीन 51 की 1 हाथ में 5, 8 6 48 और 5, 8 5 13 53 का 3 हाथ में 5, 8 1 8 4 8 5 13 के 3 हाथ में 13। ठीक है, 9 हुआ यहाँ पे,
कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये तो जीरो 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 बनेगा और फिर 4 6 6 1, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है इतना आएगा। तो हम इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं भाई, इसके जगह पे लिख सकते हैं ऊपर 108 गुना 108 गुना 108 कितना आएगा 125972, और डिवाइड कितना से करना है 100 से, तो टोटल इसको डिवाइड करके कितना आएगा, तो पॉइंट के दो अंक के बाद 1,2,5,9,7.12 रुपया आएगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप 4 वर्ष के लिए भी निकालिए, ठीक है आप 5 वर्ष के लिए भी निकालेंगे, लेकिन हम आगे नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत टफ है, गुना भागा हमको तीनों दो से निकालने से काम हो जाएगा तो फिर आगे काम क्यों करेंगे। अब लिखिएगा 3 वर्ष तक के निकालिएगा, लिखिएगा अब श्रेणी जो बन रहा है वो श्रेणी कैसा बन रहा है, पहला बार में आया था 108,00, दूसरा वर्ष के लिए आया 1,1,6,6,4 रुपया, तीसरा वर्ष के लिए आया कितना, तो 1,2,5,9,7.12, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आप तीनों वर्ष का जो निकालिएगा वो आप रख लीजिएगा श्रेणी में, आप यहां से चेक कीजिएगा डी का मान, इसमें से इसमें घटाइएगा 11,664 माइनस पिछला पद घटाइएगा जो आएगा, यहां पे इसमें से इसमें घटाइएगा 12,597, 12 माइनस 11,664 घटाइएगा, तो आप पाइएगा कि दोनों डी का मान क्या है, अलग अलग आ रहा है, दोनों डी का मान अलग अलग आ रहा है, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। तो आप अगर मेरे से ये मल्टीपल में करने में गुना में गलती भी हुआ होगा तो आप चीजों को देख लीजिएगा सही क्या है, क्योंकि हो सकता है बाय मिस्टेक, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही आना चाहिए गुना करने के बाद और फिर डिवाइड करने के बाद। तो यहां पे आप पाएंगे कि दोनों डी का मान क्या है, अलग अलग है, इसलिए यह एपी में नहीं है। तो आज हम लोग क्वेश्चन 1 के पूरे क्वेश्चन को डिस्कस किए। अब हम लोगों का इस एक्सरसाइज में अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे पहला का, देख पा रहे होंगे अच्छे से, नहीं दिख रहा है क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है, अब थोड़ा सा ये आ जाता है। तो पहला का 4 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया 5.1 एक्सरसाइज में, दूसरा और तीसरा ऑलरेडी हम लोग का कंप्लीट है, बहुत सारे स्टूडेंट बना लिए। अब जो चौथा क्वेश्चन है टोटल चौथा में टोटल 15 क्वेश्चन है, टोटल चौथा में कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल है क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, पहचानना है भाई कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है, और अगर जो एपी में है तो अगला 3 पद ज्ञात करना है, तो इसमें भी हम कुछ हिंट्स कर दिए हैं। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको चौथा के 15 सवाल में जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप कमेंट सेक्शन में या फिर जो ग्रुप क्रिएट किए हैं उस ग्रुप में आप सिर्फ हमें ये लिख दीजिएगा कि सर चौथा का ये नंबर वो नंबर जो भी नंबर है हमसे नहीं बना है, या फिर आप सबको बना के भेजिएगा, हम देखेंगे कि कौन कौन सा गलती है। या फिर एक और काम कर सकते हैं कि आप चौथा का जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप उसको सिर्फ पूछ लीजिएगा, क्योंकि टाइम बचेगा, क्योंकि सब तो एक ही जैसा सवाल है और 15 क्वेश्चन का कहने का मतलब अलग अलग नहीं है, सबका रूल नियम एक ही लगने वाला है, ठीक है। तो अगर चौथा के 15 क्वेश्चन में अगर जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप जरूर पूछ लीजिएगा नंबर की, सर मेरे को चौथा का ये सवाल नहीं आ रहा है। अगर सभी लोग अगर अपना डाउट्स पूछेंगे, चौथा का पहला नंबर नहीं आ रहा सर, 8वां नंबर, फिर 12वां नंबर, बस मेरे को 3 डाउट्स है, फिर हम देखेंगे कि कितने लोगों को कितना प्रॉब्लम है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम रहेगा हम अगले दिन इसको डिस्कस कर लेंगे, और फिर अगर टाइम बचेगा तो फिर अगले एक्सरसाइज का भी कुछ हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में आपके डाउट के साथ। तो बस आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।